नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्रोटन के प्लांट के बारे में। इसे मिसेस आइस्टोन बोलते हैं। रेड कलर का लीफ रहता है और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये एप्पल क्रोटन है। एप्पल क्रोटन को छोड़ दें तो ये ही टॉप में रहता है दोस्तों इसका फॉलिएज के लिए। और एप्पल क्रोटन आपका 400-500 रुपया कॉस्ट आ जाता है, लेकिन इसका कॉस्ट उतना नहीं होता है, 80-100 रुपया में ये आपको मिल जाता है। और बहुत ही बढ़िया फॉलिएज रहता है इसका, येलो पिंक और रेड कलर में। और ये बार बार अपना कलर चेंज करता रहता है, इसीलिए बहुत बढ़िया लगता है और मेरा तो ये फेवरेट है दोस्तों। इसका प्रोपागेशन आप अभी कर सकते हैं रेनी सीजन में, लेकिन स्टेम कटिंग से चांसेस इसका रहता है 70-80%। अगर एयर लेयरिंग आप करते हैं इस पर तो 100% चांस बन जाता है। ये देखिए और एक वैरायटी है मेरा, और ये भी थोड़ा पिंकिश कलर में आ रहा है। तो क्रोटन बहुत बढ़िया हाउस प्लांट होता है और ऑर्नामेंटल लुक्स के लिए लगाया जाता है, और पेरिनियल होता है। एक बार आप लाते हैं तो बहुत दिन तक चलता है आपके पास। और दोस्तों ये सब पॉट वैरायटी है, आप इसे इंडोर भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन आपको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इंडोर इसका अच्छा कलर नहीं आता है। और ये देखिए दोस्तों, मैं एयर लेयर कर दिया हूँ इस पर, और स्पैग्नम मॉस है अंदर, और एक पॉलीथीन में आप एयर लेयरिंग कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। दो जगह ऐसे छील देते हैं और वहाँ पे आपको मॉस को बांधना होता है। और रेनी सीजन बेस्ट टाइम होता है, अभी आप ये करेंगे तो बहुत जल्दी रूट आ जाता है। ये देखिए दो जगह मैं किया हूँ, क्योंकि इसको अगर कटिंग से मैं लगाऊंगा तो अगर नहीं चला तो मेरा प्लांट का भी नुकसान होगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो एयर लेयरिंग कीजिए और ज़बरदस्त रिजल्ट पाइए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर ये ड्राई हो जाए तो आप सीरिंज से इसे पानी दीजिएगा, और रूट आ जाए तो यहाँ से काट के नया प्लांट आप लगा दीजिए दूसरे जगह में। इसका फॉलिएज देखिए, बेंगलोर क्रोटन है ये, और ये और 15 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत डीप कलर में आ जाएगा। और सॉइल की अगर बात करें तो नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए और गोबर का खाद मिला लीजिए उसमें, बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। और इसका अगर कलरफुल आप फॉलिएज चाहते हैं तो इसे मॉर्निंग का 1 घंटे का सन दीजिए। सनलाइट इस पर मॉर्निंग का गिरता है तो कलर बहुत बढ़िया आता है, और बिल्कुल इसको आप अंदर रख देंगे तो कलर उतना अच्छा नहीं आता है इसका। और इसे बार बार उसका पोजीशन चेंज मत कीजिए, उसके अपने जगह में ही रहने दीजिए तो बहुत अच्छा करता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर हमारा क्रोटन में पत्ता गिर रहा है या फिर सूख रहा है। तो देखिए, इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, और बारिश का सीज़न बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये हॉट ह्यूमिड दोनों रहता है इस टाइम में। और ज़्यादा हार्स सनलाइट मत दीजिए इसको। ये देखिए इसका पत्ता पिछले तरफ पिंक हुआ है। और ये आइस्टोन लेडी का क्या कहना दोस्तों, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, काफ़ी टॉल रहता है ये, और जितना ब्रांच आएगा ये प्लांट घना होके उतना बढ़िया दिखता है। तो प्लास्टिक जैसा ही पूरा लगेगा, आपको पता नहीं कर पाएंगे प्लास्टिक का पत्ता है या ओरिजिनल पत्ता है। और बारिश का टाइम दोस्तों इसका ग्रोथ पीरियड होता है, तो अभी आप इसमें यूरिया के 4-4 दाने दे सकते हैं, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी मत दीजिए, लीफ बर्न हो जाता है। गोबर का खाद दे सकते हैं आप, और इसी तरह आप क्रोटन का देखभाल कीजिए और केयर कीजिए। फिर दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में।